दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री ही आए दिन झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने में आगे रहते हैं। इसी कड़ी में अब बीजेपी नेता अनिल पटेल ने नेहा सिंह राठौर की तस्वीर को साझा करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अनिल पटेल ने नेहा सिंह राठौर की एक तस्वीर को साझा करते हुए कहा कि महिला सम्मान करते कराते कांग्रेस और उनके कार्यकर्ता। दोस्तों, इस तस्वीर में देखें तो मुझे कुछ भी इसमें गलत नहीं दिखाई दे रहा है। तस्वीर में नेहा राठौर को संभालते पीछे खड़े उनके पति हिमांशु हैं और सामने कांग्रेस नेता। ऐसे में भाजपा नेता अनिल पटेल इसमें क्या दिखाना चाहते हैं? वहीं बीजेपी नेता की इस घिनौनी हरकत पर नेहा राठौर का जवाब भी सामने आया है। नेहा सिंह राठौर ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा, प्रिय भाजपाइयों, महिलाओं के सम्मान को लेकर आप सभी की चिंताओं से मैं बकायदा परिचित हूँ। जिस तस्वीर के माध्यम से आप अपनी मंशा पूरी करना चाहते हैं, वो एक अस्थाई मंच की तस्वीर है। तस्वीर में मेरे पति हिमांशु मुझे संभाल रहे हैं। खैर, अपनी इस सूचना से आपकी मंशा पर पानी फेरने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। बाकी महिलाओं के सम्मान को लेकर आप लोगों की संवेदनशीलता से मणिपुर समेत पूरा देश परिचित है। डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने बीजेपी नेता अनिल पटेल को जवाब देते हुए कहा, घटियापन की भी हद होती है। अरे आंखों के अंधे, वह नेहा राठौर के पति हैं और पति को क्या इतना भी अधिकार नहीं कि वह अपने पत्नी को सहारा दे सके? इतना भी नीचे गिरना अच्छा नहीं है। वहीं एक अन्य ट्विटर यूजर ने इस पर कहा, जब लोगों की सोच में ही खोट हो तो क्या किया जाए। जरूरी नहीं कि महिला की तरफ उठा हर हाथ नीच सोच से ही उठाया हो, कभी कभी उन्हें संभालने के लिए भी होता है, लेकिन संघ की गंदगी में पल रहे लोगों को बस यही दिखाई देगा। पत्रकार पूजा झा ने इस पर कहा, आप जैसे लोग जन प्रतिनिधि कहलाने के लायक तो बिल्कुल नहीं है। इस तस्वीर के माध्यम से क्या जाहिर करना चाहते थे आप? पता नहीं आपके घर की महिलाएं कैसे खुद को सम्मानित महसूस कर पाती होंगी। फिलहाल दोस्तों, आप बीजेपी नेता अनिल पटेल की इस घिनौनी हरकत पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। और ज़्यादा ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए टारगेट न्यूज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।